दोस्तों खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनू कुंतल और आप देख रहे हैं व्यूज इंडिया। आज का विषय बहुत गंभीर है, विषय है प्रज्ञा ठाकुर की चुनाव की लड़ाई। दरअसल जिस तरह से विपक्ष प्रज्ञा ठाकुर को घेरना चाहता है कि वो एक मुजरिम है और बेल पर बाहर है, जमानत पर बाहर है, तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, भाजपा ने उनको टिकट कैसे दे दिया, इस पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर सवाल पर सवाल पूछे जा रहा है। लेकिन एक सवाल अब हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब बीहड़ की कुख्यात डाकू फूलन देवी को टिकट दिया गया था तब विपक्ष ने कितने सवाल पूछे थे, जब 30 कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह ने चुनाव लड़ा तो उनसे कितने लोगों ने सवाल पूछे थे, जब नेशनल हेराल्ड केस में अपराधी में दोषी राहुल गांधी और उनकी माताजी सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं तो विपक्ष उन पर कितने सवाल पूछता है, 1984 के दंगों में आरोपी सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जब चुनाव लड़ते हैं तो उनसे कितने सवाल पूछे जाते हैं, जब 1984 सिख दंगों के आरोपी कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर होने के बावजूद चुनाव लड़ते हैं तो उनसे कितने सवाल पूछे जाते हैं। सवाल ये है कि सिर्फ सवाल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से ही क्यों पूछे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो साध्वी है, एक साधु है, एक हिंदू है, सिर्फ इसलिए? और उन्होंने कितने अमानवीय कृत्य को झेला है, उनको ATS ने गिरफ्तार किया उस काम के लिए जो उन्होंने किया भी नहीं था, 13 दिन की इल्लीगल रूप से उनको रिमाइंड पर रखा। प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान क्या कुछ नहीं झेला, उनको घंटों तक मारा पीटा जाता था। उनका खुद का बयान है एक चैनल पर कि मुझे तब तक मारा जाता था तब तक कि मैं बेहोश ना हो जाऊं या फिर जो पीट रहे होते हैं वो थक ना जाएं। उनके हाथ सूज जाते थे, उनकी उंगलियां सूज जाती थी, मुड़ नहीं पाती थी, पानी पीने के लिए गिलास को उंगलियों से ना उठाकर दोनों हाथों से ऐसे गिलास उठाना पड़ता था तब जाकर के पानी पीती थी। इतना प्रज्ञा ठाकुर को मारा पीटा गया उस काम के लिए जो उन्होंने किया भी नहीं। उनको झूठे आरोप में फंसा लिया गया, मालेगांव के केस में फंसाया, समझौता एक्सप्रेस के केस में फंसाया, और क्यों फंसाया, क्या कसूर था उनका, क्या कसूर था? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा क्योंकि वो हिंदू हैं और हिंदुओं का पक्ष लेती हैं, सिर्फ इसलिए कांग्रेस ने उनको फंसाया और भगवा आतंकवाद के नाम पर प्रज्ञा ठाकुर को चेहरा बनाया और सामने लाए, असीमानंद को भी सामने लाए समझौता एक्सप्रेस वाले कांड में, और प्रज्ञा ठाकुर को सामने लाया, गिरफ्त में रखा 13 दिन तक तो इल्लीगल रखा, उसके बाद 1 दिन के लिए दिखाया और 14 दिन के फिर से रिमांड पर लिया। प्रज्ञा ठाकुर ने बताया कि लोग सर्किल बनाते थे चारों तरफ और बेल्ट से जो फट्टा होता है पुलिस का उससे पीटते थे। प्रज्ञा ठाकुर बेहोश हो जाती थी, उसके बाद जब होश में आती थी तो फिर से पीटते थे। उनके पोलोग्राफी टेस्ट कराया गया, नार्को टेस्ट कराया गया और ना जाने कितने कितने टेस्ट कराए गए और कई कई बार कराए गए। जब हर टेस्ट में उनको वो चीज़ नहीं मिली जो वो बुलवाना चाहते थे तो NIA ने क्लीन चिट दिया। और अब जब प्रज्ञा ठाकुर जमानत पर बाहर हैं तो विपक्ष चाहता है कि उनको टिकट ना दी जाए, प्रज्ञा ठाकुर चुनाव ना लड़ें। क्यों ना लड़े चुनाव, क्या उनका अधिकार नहीं है चुनाव लड़ना? क्या तुम लोग नहीं हो बेल पर? अगर तुम बेल पर हो को चुनाव लड़ सकते हो तो प्रज्ञा ठाकुर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? और प्रज्ञा ठाकुर को जो ये प्रताड़ना मिली है, उनको मानसिक यातना मिली है, शारीरिक पीड़ा मिली है, किस कसूर के लिए मिली है? इसके लिए मिली है क्योंकि वो हिंदू है और हिंदू आतंकवाद पर उनको चेहरा मोहरा बनाया गया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। एक सवाल ये है कि क्या उनके पास फ्रीडम टू स्पीच नहीं है? क्या फ्रीडम टू स्पीच सिर्फ उन लोगों के पास है जो फ्रीडम टू स्पीच के नाम पर हिंदुस्तान को गाली दें, पाकिस्तान जिंदाबाद कहें, फ्रीडम टू स्पीच के नाम पर देश की सेना को गाली दें, फ्रीडम टू स्पीच के नाम पर देश की सेना को बलात्कारी कहें, फ्रीडम टू स्पीच के नाम पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं, फ्रीडम टू स्पीच के नाम पर अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे घटिया और नीच किस्म के नारे लगाएं, जो फ्रीडम टू स्पीच के नाम पर अफजल गुरु जैसे लोगों को कवर कर सकते हैं, उन लोगों से ये पूछना है कि जो आदमी हिंदू है, देश का रहने वाला है, अपने को विचार रख रहा है तो उसके विचार रखने में फ्रीडम टू स्पीच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तुम्हारे लिए तो देश की गद्दारी वाले नारे भी ठीक हैं, वो हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं तो उनके लिए फ्रीडम टू स्पीच गलती है? ये कैसी दोहरी मानसिकता है तुम लोगों की? कन्हैया कुमार से तो किसी ने नहीं पूछा कि तुम जमानत पर बाहर हो, तुमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? तो जब ये सवाल कन्हैया कुमार से नहीं हो रहा है, राहुल गांधी से नहीं हो रहा है, सोनिया गांधी से नहीं हो रहा है, तो जमानत पर बाहर होने के बाद चुनाव लड़ने का सवाल प्रज्ञा ठाकुर से क्यों है? इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल बात इस बात की नहीं है कि
कि कांग्रेस को इस चीज़ का डर है कि भोपाल से वो अपनी एक सीट हार जाएंगे। एक सीट से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बात यह है कि जब प्रज्ञा ठाकुर को टिकट मिलेगी तो हिंदुओं का वोट बैंक बटने का कांग्रेस को डर है। तो कांग्रेस को ये डर उस दिन लगना चाहिए था जब कांग्रेस ने हिंदुओं को गाली दी थी भगवा आतंकवाद के नाम पर, और भगवा आतंकवाद के नाम पर प्रज्ञा ठाकुर को सबसे आगे रखा गया था और उनको जेल भेज दिया गया था उस काम के लिए जो काम उन्होंने किया भी नहीं था। लंबे अरसे तक उनको जेल में रखा, 9 साल तक प्रज्ञा ठाकुर जेल में रही और उसके बाद अब वो जमानत पर बाहर आई हैं। तो भाजपा ने उनको भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। अब देखना ये है कि इस चुनाव मैदान में प्रज्ञा ठाकुर दिग्विजय सिंह को हरा पाती है कि नहीं हरा पाती हैं। हराना ना हराना जनता के हाथ में होता है, जनता खुद डिसाइड करती है कि उन्हें किसके लिए वोट करना है। और जनता को देखना पड़ेगा कि क्या देश में भगवा आतंकवाद है या आतंकवादी ही आतंकवाद है। वैसे तो आतंकवाद का कोई मुल्क नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से भगवा आतंकवाद का शब्द देकर हिंदुओं को आतंकवादी बताने की घटिया सोच का प्रमाण दिया था, उसको उस सवाल को ख़त्म करने के लिए, उस सवाल का जवाब देने के लिए उसी दिग्विजय सिंह के सामने जिसने कहा था कि भगवा आतंकवाद है, उसी दिग्विजय सिंह के सामने हम भोपाल से टक्कर देने के लिए खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस चुनाव में दिग्विजय सिंह को टक्कर दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस चुनाव को जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी? क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में राष्ट्रवाद और हिंदुओं के हित की पार्टी के रूप में अपनी हवा बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी? अपना कमेंट करके वीडियो को नीचे हमको बताइए। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कैमरामैन योगेश के साथ सोनू कुंतल, व्यूज़ इंडिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।